करीना कपूर खान और सैफ अली खान का छोटा बेटा जय अली खान का जन्म 21 फरवरी 2021 को हुआ था और आज 21 अगस्त को ये कपल का बेटा 6 मंथ का हो गया है। और सैफ अली खान के सिस्टर सबा पटोड़ी जी ने ये कपल के दोनों बेटों को दिखाती एक प्यारी सी तस्वीर शेयर करते हुए जय को 6 मंथ बर्थडे की बधाई दी है। इस प्यारी सी पोस्ट में सबा जी ने दो तस्वीरें शेयर की हैं, जहां दोनों तस्वीरों में सबा जी ने टीम और जय अली खान को दिखाया है। वहीं इस तस्वीर पर 6 मंथ एंड लव यू माई जान जहांगीर जय लिखा है। वहीं तस्वीर पर मिकी माउस और मिनी माउस स्टिकर के साथ 6 मंथ का भी स्टिकर अटैच किया है। शेयर की पहली तस्वीर में तैमूर अली खान अपने छोटे भाई जय अली खान को हाथ में लेकर खड़ा है। वहीं दूसरी तस्वीर में जय अपने भाई को हेड टू हेड टच करते हुए प्यार कर रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में जय अली खान का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। कल एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने अपने मालदीव वैकेशन से अपने बेटे जय अली खान के साथ की एक सेल्फी शेयर की थी, जहां एक्ट्रेस ने अपने बेटे को हाथ में कैरी किया हुआ है और जय अपनी मदर के हाथों पर नैप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर के साथ एक्ट्रेस ने स्टिकर में लाइट कैमरा नैप टाइम अटैच किया है। वहीं एक्ट्रेस ने मालदीव से अपनी स्टाइल फ्लॉन्ट करती कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जहां उनका लुक बेहद ही गॉर्जियस लग रहा है। एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने अपने हस्बैंड सैफ अली खान का 51st बर्थडे मालदीव से सेलिब्रेट किया, जहां एक्ट्रेस ने जय अली खान के बर्थडे के बाद की पहली फैमिली पिक्चर शेयर करते हुए सैफ अली खान को बर्थडे की बधाई दी थी। वहीं एक तस्वीर में सैफ अली खान और करीना कपूर खान पूल में ओशन के सनसेट का मजा लेते हुए दिखाई दिए थे। कुछ दिनों पहले जय अली खान की सबसे पहली क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आई थी, जहां ये फैमिली रणधीर कपूर के घर पहुंचा था। जय अली खान की ये पहली तस्वीरें पेपरेजी के कैमरे में कैद की गई थी, जो कि इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुई थी। बात करें एक्ट्रेस के वर्क फ्रंट की तो करीना कपूर खान लाल सिंह चड्ढा और तख्त जैसी मूवी में आगे दिखाई देने वाली है। हम भी जय अली खान को 6 मंथ बर्थडे पर ढेर सारी बधाई देते हुए हाफ ईयर बर्थडे विश करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।